हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिक्विड लिपस्टिक लगाने की कुछ सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे हाथों पर एक बूंद ग्लिसरीन ले लूंगी और ग्लिसरीन के साथ थोड़ा सा गुलाब जल मैं उसके साथ मिला लूंगी। दोस्तों, ग्लिसरीन और गुलाब जल दो ही हमारे स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करती है। अगर मैं ये मेरे होठों पर अप्लाई करूँगी तो मेरे होठ पूरे दिन के लिए सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहेगा। दोस्तों, ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में और कोई क्रीमी सा टेक्सचर भी नहीं छोड़ते। जो वैसलीन और अन्य लिप बाम में छोड़ जाते हैं, इसमें वो बिल्कुल नहीं होता। अभी मैं मेरे लिप पर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, बहुत लोगों के लिप का जो स्किन टोन है वो चेहरे के स्किन टोन से थोड़ा डार्क होते हैं, तो चेहरे के स्किन टोन के साथ मिलाने के लिए फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई किया जाता है। तो मैं पहले मेरे उंगली की मदद से फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और फिर एक ब्रश की मदद लूँगी। फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं लैक्मी कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा लूँगी और होठों बिल्कुल थोड़ा सा मैं उसको अप्लाई करूँगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिप का स्किन टोन है वो मेरे चेहरे के स्किन टोन के साथ मैच हो गया है। अभी एक लिप लाइनर के मदद से मैं मेरे लिप को पहले लिप का जो आउटलाइन है उसको ड्रा कर लूँगी। तो पहले मैं बहुत ही हल्के हाथों से मेरे लिप के आउटर लाइन को थोड़ा थोड़ा करके ड्रा करूँगी। उसके बाद मैं डॉटेड को मिलाते जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे करके आपके लिप को पहले ड्रॉ कर लेंगे तो एक अच्छा सा बॉर्डर लाइन आपको मिलेगा और लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने के टाइम बाहर जाने का कोई खतरा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा एक बॉर्डर लाइन मिल गया है। अभी मैं मेरा लिक्विड लिप कलर लूँगी जो कि है शुगर के, और मैं उसे मेरे होठों पर अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं एप्लीकेटर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हटा लूँगी। उसके बाद जो गैप है पहले मैं उस गैप को भरूँगी। तो सारे गैप को भरने के बाद मैं और एक बार पूरे होठों पर मैं लिप कलर को अप्लाई करूँगी। तो मैं मेरे पूरे लिप पर कलर अप्लाई कर ली हूँ और थोड़ी देर के लिए उसको रख दी हूँ और उसके बाद ये पूरा सूख गए हैं। तो लिप कलर अच्छी तरह से सूख जाने के बाद मैं मेरे होठों पर हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। यह कलर एसेंस का हाइलाइटर। मैं ब्रश में थोड़ा सा हाइलाइटर ले लूंगी और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को मैं थोड़ा हटा लूंगी। तो अभी मैं मेरे होठों पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। दोस्तों, हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है ताकि ज़्यादा कम नहीं रह जाए।
और दोस्तों मैं पूरे लिप पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, अपर लिप के मिडल में और लोअर लिप के भी मिडल में अप्लाई कर रही हूँ और उसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि कैसे मैं लिप कलर को अप्लाई किया और उसके बाद हाइलाइटर का थोड़ा सा टच देके मैं मेरे लिप को और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव कर दी हूँ। दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं और ऐसे करके आप आपके लिप को पहले से खूबसूरत और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स और ट्रिक्स लिक्विड लिपस्टिक लगाने की। तो अगली बार जब भी आप आपके होठों पर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो ये सब टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करके आप आपके होठों पर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो आपका लिप्स पहले से भी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव, टाटा बाय एंड हैव ए गुड डे। टाटा।